भारत में बीते कुछ सालों में समुद्री तटों पर व्हेल शार्क दिखने का सिलसिला जारी है। अब इनकी तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। गुजरात के तट के पास जो अक्सर व्हेल शार्क को देखा जाता है, बीते साल आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में समुद्र किनारे एक व्हेल शार्क देखी गई। ये व्हेल शार्क करीब 15 फीट तक लंबी बताई गई। दिसंबर 2021 में विशाखापट्टनम के तातांडी समुद्र तट पर कुछ मछुआरों को व्हेल शार्क मछली मिली थी। अब चेन्नई के तट के पास भी कई व्हेल शार्क देखी गई है। यूं तो व्हेल शार्क द अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के समुद्री तट पर देखी जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत में व्हेल शार्क की संख्या बढ़ी है। लेकिन सवाल ये है कि ये व्हेल आखिर भारत के समुद्र में क्या कर रही हैं? व्हेल शार्क विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाई जाती हैं, जहां मछली, स्क्विड और अन्य छोटे जीवों का तादाद ज्यादा है। चेन्नई के तट पर मछली पकड़ने पर बैन है, इसलिए हो सकता है कि ये शिकार की तलाश में यहां आ रही हैं। बता दें कि बीते 75 सालों में व्हेल और शार्क की संख्या लगातार कम हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक साल 1970 के बाद से शार्क की संख्या में 70% गिरावट आई है। चूंकि शार्क अपना सारा समय समुद्र में पानी की सतह के नीचे बिताती है, तो कई बार ये मछुआरों और जहाजों का शिकार बन जाती है। अब इसके बाद भारत में व्हेल शार्क की संख्या में इजाफा होना बड़ी खुशखबरी है।